सीपी बाजार से लाइट के लिए बैठी महिला ने अपना बैग छोड़ा आपे में। आपे चालक ने बैग सही सलामत पहुंचाया थाना नवाबाद। झांसी के थाना नवाबाद क्षेत्र के लाइट चौराहे का मामला है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम इशाक खान है सर। क्या घटना हुई आपको? सर सीपरी बाजार मसीहागंज चौकी से इन लोगों को मैं बैठा के ले आया, पैसेंजर में बैठा के ले आया। पैसेंजर को मैंने लाइट चौड़ाए पे छोड़ा ऑफिस शताब्दी ऑफिस के पास। तो इसके बाद में इनका बैग रह गया, तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि बैग है गाड़ी में। मैं यहाँ से जीवनसा तरफ को गया, जीवनसा से मैं बीगेडी गया, बीगेडी से मुझे मिली सीपरी की सवारी। सीपरी की सवारी से लेके मैं आवास विकास पहुँचा। आवास विकास जाके मैंने चौड़ाए पे जाके राजश्री ली। राजश्री लेके पीछे मुड़ के देखा तो बैग, तो मैंने वहाँ थाने में आके मैंने जमा कर दिया। आपके पास किसी का फ़ोन आया था? नहीं सर, मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आया सर। तो आपने अपने मर्जी से बैग जमा करा? मैंने सर अपनी मर्जी से बैग जमा किया सर। उस बैग में क्या क्या था? सर मैंने खोल के नहीं देखा, लड़की बताती है उसमें गोल्ड था। तो जिसका बैग था उसको बरामद हो गया? हाँ उसको बरामद हो गया सर। कैसा लग रहा है? आपने इतनी मेहनत करी सर, मुझे इतनी तसल्ली मिल रही है जैसे मेरी बहन का बैग था। क्या नाम है आपका? मैं श्रद्धा गुप्ता सीपरी बाजार से बैठी थी शताब्दी के लिए। उसी बीच क्या हुआ, मैंने ऑटो में अपना बैग रखा हुआ था। अरे नहीं, जब मैं शताब्दी से के लिए उतरी स्टॉपेज पे, तब देखा कि मेरा बैग नहीं है, हम लोगों ने ऑटो में ही छोड़ दिया। सब जगह देखा लाइक शहर सीपरी स्टेशन, कहीं नहीं मिला। फिर हम लोगों ने मतलब यहाँ पर खड़े पुलिस कर्मचारियों से हेल्प ली एंड दे आर वेरी सपोर्टिव। मतलब किसी ने भी मना नहीं किया कि मतलब नहीं आपकी हेल्प नहीं करेंगे। मतलब लाइक चंडिका प्रताप सिंह एंड गौरव शर्मा जी, इन्होंने सबने मिलकर मेरी बहुत हेल्प की। तभी उसी बीच में लाइक पापा और भैया भी मेरे साथ थे, तो इन लोगों ने भी जाके मतलब इंस्पेक्टर वगैरह दरोगा वगैरह उन्होंने भी कैमरेज वगैरह देखे लाइट चौराहे के। फिर हम लोग बैग मिल गया। बैग में क्या क्या था? बैग में हम लोगों का ज्वेलरी थी, गोल्ड की ज्वेलरी थी, सामान था और जो भी था मतलब सब कुछ वैसा ही एज इट इज उन्होंने थाने में मतलब नवाबाद थाने में। गुम हुआ था आपका? गुम नहीं हुआ था, बैग हम लोगों की गलती के कारण छूट गया था ऑटो में। पुलिस वालों ने ढूंढ के दिया या आपे वाला खुद देखे गया? नहीं, पुलिस वालों ने भी मेरी मदद की और ऑटो वाले की भी ऑनेस्टी करेंगे कि उसने मतलब एज इट इज मेरा जो बैग था वो थाने में जमा किया, ना ही उसने उस बैग को खोला और ना ही उसमें से कुछ देखने की कोशिश की। जैसा मेरा सामान था वैसा ही था और पुलिस की हेल्प से हम लोग बहुत सपोर्ट।